हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो हम सीरीज चला रहे हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर क्लास 12 सीबीएसई एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं हमारे पास आज का कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, केस स्टडी इन मैथ इज अ न्यू इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 12 इन द सेशन 2020-21। ठीक है, यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हर क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स होंगे, जिनमें से हमें कोई से भी 4 पार्ट सॉल्व करने होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दिस वाज द पैटर्न एज सीन इन द सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर। और ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और इन सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, द यूजुअल प्रोडक्शन एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अ स्मॉल कंपनी वॉज डिस्टर्ब्ड बैडली। ये तो बिल्कुल इस साल सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, हर सेक्टर में प्रॉब्लम आई है, हर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है उस पे इफेक्ट पड़ा है, एजुकेशन में भी जो आउटपुट है उस पे इफेक्ट पड़ा है बच्चों। एनीवे, टू कंट्रोल द लॉसेस द ओनर डिसाइडेड टू चेंज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ही यूज्ड टू मेक इन हिज कंपनी ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज। अच्छा भाई साहब, अब अपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर रहे हैं ताकि उनके लॉसेस कंट्रोल में आ जाएं। नाउ ही डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। आपदा को इन्होंने क्या बना लिया, अवसर बना लिया। भाई कोविड-19 एक प्रॉब्लम है, आपदा है, उसमें इन्होंने अवसर देखा कि भाई कोविड में फेस मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है, यानी अपनी कंपनी में यही चीजें बनाने लगे। अच्छी बात है। ही सेल्स एक्स मास्क, यानी ये बंदा एक्स मास्क बेच देगा एट अ प्राइस ऑफ दिस ईच, यानी एक मास्क का प्राइस ये है और टोटल मास्क कितना बेचेगा, तो एक्स मास्क बेचेगा, ध्यान रखना। यानी अगर यहां पर आपसे बोला जाए ना सेलिंग प्राइस लिखने के लिए, पता नहीं बोलेगा या नहीं, देख लेंगे अभी, तो एक मास्क का इतना है तो एक्स मास्क का कितना होगा, ऐसे करना पड़ेगा आपको, समझे। ये आ जाएगा 5x-x²/100। एनीवे, आगे क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स मास्क इज दिस मच। अब ये तो पूरे एक्स मास्क का ही कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। कीपिंग द अबो इंफॉर्मेशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग्स। तो देखते हैं जरा आगे हमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलते हैं बच्चों जरा फर्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एस एक्स ऑफ द एक्स मास्क, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो वो क्या था बच्चों, ठीक है, आपको ध्यान हो, ये देखो सबसे बॉटम में 5x-x²/100, ये रहा जी, ठीक है। तो यानी यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। चलिए बड़ी अच्छी बात है, जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द मैन ऑन सेलिंग एक्स मास्क। अब ये प्रॉफिट फंक्शन की बात हो रही है, तो प्रॉफिट फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, आपका जो सेल प्राइस होगा उसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेल प्राइस है आपका 5x-x²/100 और कॉस्ट प्राइस आपका था ये देखो x/5+500, ठीक है। तो दिस इज x/5+500, यहां पर हम एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 24x/5-x²/100-500, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे 24x/5-x²/100-500, ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है, लेकिन जरा रुको, वेट करो, ये देखो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। तो पी डैश एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 24/5x^1-2x/100, समझे। तो 2x/100, 2 से 100 को कैंसिल कर दिया, x/50 आ गया। तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा थर्ड पार्ट में क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर बोला हुआ है हाउ मेनी मास्क शुड द ओनर सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन का ना डेरिवेटिव निकाला था बच्चों, सो दैट वाज 24/5-x/50, ठीक है। वैसे तो ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहां पर हमें बेसिकली डबल डेरिवेटिव निकालकर ये सब करने की जरूरत है भी नहीं, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ना, रफ वर्क कर सकते हो वैसे आपका मन करे तो। जैसे मेरा यहां पर मन किया तो मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, वो -1/50 आ रहा है, विच इज लेस देन
जीरो, तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि पी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब है ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये किया मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव यानी दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, यहां से हम साइड चेंज कर देंगे तो 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 50, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू 24 इंटू 50 अपॉन 5 यानी 240 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने मास्क उसको बेचने पड़ेंगे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो 240 मास्क यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, जरा फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट इन रुपीज अर्नड बाय द ओनर, ठीक है भैया। तो प्रॉफिट फंक्शन जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट फंक्शन क्या लिखा था हमने, यहां देखिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये रहा प्रॉफिट फंक्शन 24x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500। सो लेट मी राइट 24x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमने अभी x की वैल्यू निकाली है ना ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम बने, तो x की वैल्यू 240 आई थी, वो हमें पुट करना होगा, ठीक है। तो 24 इंटू 240 अपॉन 5 करेंगे, तो 24 इंटू 240 अपॉन 5 करेंगे, ठीक है, माइनस 240 स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो ये बनेगा आपका 24 इंटू 24 राइट इंटू में 2, ठीक है, माइनस 24 इंटू 24 इंटू 100, अगर आपको समझ में आए तो देखो, ठीक है 240 है ना, तो 240 को मैंने ऐसे पढ़ लिया, तो 24 इंटू 24 इंटू 10 इंटू 10, आर यू गेटिंग मी। तो ऊपर 100 आएगा, नीचे वाले 100 को कैंसिल कर देगा, माइनस 500 पहले से ही है, तो ये बन जाएगा आपका 576 माइनस 500, नाउ दैट मीन 76, ठीक है बच्चों। तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा फिफ्थ पार्ट को भी देखते हैं, यहां पर क्या करना है हमें। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, हाउ मेनी मास्क डज ही नीड टू सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75। अब इसको 75 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, यानी पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 75 होगी तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, कितने मास्क वो बेचेगा। तो 24 एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका 24x into 20 माइनस यानी प्लस का 575 एंड 20, ठीक है। अब यहां से हम साइड चेंज कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 480x प्लस 575 00 इक्वल टू 0। यहां से आप लोग बना लो फैक्टर, तो x माइनस 250 इंटू एक्स माइनस 230, ऑल दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 250 एंड 230, यानी इतने आइटम अगर वो बेचता है तो उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अपने गिवन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी फिफ्थ पार्ट के लिए ऑप्शन बी यहां पर सही हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन ऑन योर ब्यूटिफुल चैनल मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। बी गुड, टेक केयर।